मैं सौरभ कोहली आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आज अपने YouTube चैनल में। आज मैं चर्चा करूंगा हैप्पीनेस की मिशन बुनियाद के तहत एक प्रोजेक्ट की। हम चर्चा करेंगे एक इलेक्ट्रिक हाउस जो बनाया है तनिष्क ने, इससे बात करते हैं। बेटा बता अपने बारे में कुछ। सर, माय नेम इज तनिष्क, आज मैं इलेक्ट्रिक हाउस बना के लाया हूं, तो आपको दिखाता हूं। सर, इस हाउस में लाइट भी जलती है और बहुत बढ़िया। ये इलेक्ट्रिक फैन आपने लगाया है और बैटरी के साथ ये यूज़ होता है, गत्ते का बनाया है और इलेक्ट्रिक हाउस भी बनाया है। काफ़ी अच्छा प्यारा हाउस है। इसका थीम क्या है वैसे, थीम क्या रखा है इसका हाउस का मेन? तो ये एक तरह से इनका जो कॉन्सेप्ट है विंड मिल से मैच खाता है, लेकिन विंड मिल में क्या होता है कि डायनेमो होता है, उसमें जब फैन को हिलाते हैं तो लाइट जलती है, लेकिन इसमें क्या है इलेक्ट्रिक यूज़ किया हुआ है दोनों जगह। तो ये भी कॉन्सेप्ट है, आप वैसे भी बना सकते हो। काफ़ी प्यारा हाउस लग रहा है, बच्चे की क्रिएटिविटी काफ़ी अच्छी है। हैप्पीनेस कक्षा में बनाया है बच्चे ने, सभी क्लैप कीजिए। तो और कोई इसके बारे में कुछ और बताना चाहेगा? सर, जो कि इन्होंने एक्टिविटी बनाई है कि यहाँ पे इससे ये ऑन करके लाइट ऑन ऑफ हो जा रही है। सर, इसमें तो हम एक विंडमिल होता है जो लगा होता है बहुत सारे जगह पे, वो जब लाइट ऐसे वो रोल घूमता है तो उससे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो घर में वो हो जा चली जाती है। बट इन्होंने लाइक यहाँ पे बैटरी हुआ है, बैटरी यूज़ किया, बट कई जगह पे वैसे भी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की जाती है। और कैसा लग रहा है ये बताओ बेटा। सर, इससे ये फ़ायदा होता है जो बड़े बड़े तौर पर बनाए जाते हैं ना, उनसे ये फ़ायदा होता है कि कोयले से जो बिजली बनाई जाती है ना, वो कोयला कम लगेगा और इससे नेचुरली बनेगा जब जब हवा चलेगी इससे कोयले। वेरी गुड, तो बताओ बेटा आप। सर, इससे तो एक ये कॉन्सेप्ट खत्म होता है, जैसे कि कोई कोई बच्चा है उसे मतलब एक ये खेलने टाइप में भी काम आता है, और जैसे कि इसे चला देंगे, इसे चल रहा है अभी मोटर के द्वारा, तो इससे थोड़ी बहुत हवा भी लगेगी, उसे अमेजिंग भी लगेगी, लेकिन जब उसमें उंगली डाले तो हल्की से उसकी कट भी सकती होगी। और इससे कहा नवीन मिश्रा ने कहा था कि इससे एक तो वो है क्या नाम है, इसमें डायनामो नाम की एक मोटर आती है, उसे फिट करके इसे हल्का से मतलब रोल करते हैं तो इसमें जो हाउस है हमारा उसमें लाइट जाती है। तो वैसे ही हम ये ओनली उसके वो है क्या नाम है उसकी उसकी उसके तरह से ये हम उसके बनाने में वो भी अच्छा लगे, ये उसके वो है क्या नाम कॉपी उसकी। तो ये विंड मिल का प्रोजेक्ट एक तरह से देख के काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी अच्छा महसूस होता है जब बच्चे अलग अलग प्रोजेक्ट बना के लेकर आते हैं। काफ़ी सराहना मिलती है स्कूल में भी, उन्हें खुद भी अच्छा लगता है कि जब वो बड़े हो जाएंगे वो देखेंगे कि किस तरह से प्रोजेक्ट वो बनाते थे, जब अगली क्लास में जाएंगे तो उन्हें भी एक याद रह जाती है कि कैसे प्रोजेक्ट बनाते थे। तो मैं यही कामना करता हूँ सभी बच्चों से कि सभी अपना कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट ज़रूर बनाएं और पेश करें ताकि उनकी क्रिएटिविटी दिखे। तो अभी के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ, धन्यवाद।